सर्दियाँ आ चुकी हैं और दिसंबर की आज 9 तारीख हो चुकी है और ये खिलखिलाते हुए फूल आप देख रहे हैं कितने सुंदर और कितने प्यारे लग रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसे कौन कौन से ज़रूरी काम हैं जो हमने अपने गार्डन में इस मंथ में करने हैं और क्या क्या सावधानी हमने रखनी है और क्या क्या काम नहीं करने हैं, वो सारी जानकारी आज इस वीडियो में देंगे। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक ये हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो, और जो हम बात कर रहे हैं कि वो कौन कौन से काम हैं जो दिसंबर के मंथ में हमने अपने गार्डन में करने हैं, वो सारे ज़रूरी काम एक एक करके हम आपको बताते जाएंगे। सबसे पहले जो काम आता है वो ये आता है कि आपने अपने गार्डन में क्या उगाया हुआ है, क्या लगाया हुआ है। फ्लावर प्लांट्स लगाए हैं या फिर डेकोरेटिव प्लांट्स हैं या फिर वेजिटेबल्स का गार्डन है आपका, तो इनमें अगर आपके पास फ्लावर प्लांट हैं या फिर वेजिटेबल्स का गार्डन है तो इसमें अपने जो पौधे हैं उनको आपने सेपरेट कर लेना है। सेपरेट मतलब आपके जो परमानेंट प्लांट हैं उनको आपने अलग कर लेना है और जो आपके वेजिटेबल्स के प्लांट हैं या फिर फ्लावर प्लांट हैं उनको आपने अलग कर लेना है। मैं अलग करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि जो हमारा वेजिटेबल्स के प्लांट हैं या फिर जो फ्लावर प्लांट हैं उनको धूप चाहिए होती है, तो हमने सबसे पहले शिफ्टिंग का काम करना है और जितने भी हमारे फ्लावर के प्लांट हैं या फिर वेजिटेबल गार्डन है हमारा, उनको हमने ऐसी जगह पे अपने गार्डन में प्लेस करना है जहाँ पर आपकी जो धूप है वो सबसे ज़्यादा आती हो। मतलब कि 5-6 घंटे की कम से कम अगर धूप आती है और उसी जगह पे आपने अपने सारे ऐसे प्लांट रखने हैं जो वेजिटेबल्स हैं या फिर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। तो ये बात तो हो गई धूप की। अब मैं आपको पहले बता देता हूँ फ्लावरिंग प्लांट्स के साथ में आपने क्या क्या करना है और उसके बाद बताएंगे हम जो परमानेंट प्लांट हैं उनके साथ में क्या क्या करना है। जो फ्लावरिंग प्लांट हैं उनमें एक तो हमने टाइम टाइम से उनमें खाद देते रहना है ताकि जो फ्लावर हैं वो अच्छे से प्रोड्यूस हों और जो फ्लावर का साइज है वो भी बढ़ा रहे और जो प्लांट है हमारा वो भी हेल्दी बना रहे। क्योंकि जब कोई प्लांट बार बार फ्लावर प्रोड्यूस करेगा तो उसको एनर्जी चाहिए होती है, वो एनर्जी हम उसको खाद पानी से देते हैं। तो ऐसे खाद हमने लेने हैं इन सर्दियों में जो खाद थोड़े गर्म हों और जो अच्छी तरह से प्लांट को ग्रोथ दे सकें। तो उसमें 2-3 खाद के मैं नाम आपको बताऊँगा। सबसे पहले तो मस्टर्ड केक है, दूसरा है बर्मी कंपोस्ट, तीसरा है गाय के गोबर की पुरानी खाद लगभग 2 साल पुरानी हो, और चौथा है बोन मील, पांचवा है आपका नीम केक या नीम की खली। और इसके बाद अगर आप चाहें तो कुछ केमिकल फर्टिलाइज़र भी है जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं, बट मैं अपने गार्डन में नहीं करता हूँ, बहुत ही कम मात्रा में करता हूँ। जब मेरा काम नहीं चल पाता है जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है उनसे, तभी मैं केमिकल की तरफ जाता हूँ। तो ये सारे खाद आपने प्रयोग करने हैं, इनको कैसे प्रयोग करना है उसके ऊपर एक अलग से वीडियो है, वो आप जाके देख लीजिए। या मेरी जितनी भी अभी मैं वीडियो बनाता हूँ लगातार उनमें भी सारी खाद की जो जानकारी है वो हम देते रहते हैं, वो भी कर सकते हैं आप, उनको भी फॉलो कर सकते हैं। तो खाद के बारे में ये बात हो गई जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट है। उसके बाद जो पानी है वो पानी आपने अपने प्लांट्स में बहुत ज़्यादा नहीं देना है, केवल उतना पानी देना है जितना आसानी से एक हफ्ते में एब्जॉर्ब हो जाए या सूख जाए। क्योंकि अगर ज़्यादा पानी ठहरा रहेगा तो आगे जो पौधे हैं उनकी जो जड़ें हैं वो गल सकती हैं,
तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। पानी हो गया, खाद हो गया, धूप हो गई, उसके बाद एक चौथी चीज़ और आती है जो आपकी सीडलिंग्स हैं वो आपने शिफ्ट कर देनी है। ये देखिए जिस तरह से ये मेरी सीडलिंग थी, मैंने पन्नियों में इसको ग्रो किया हुआ था, इसको मैंने शिफ्ट कर दिया है। तो इस तरह से ये आप शिफ्ट कर सकते हैं। मेरे पास कुछ और बची हुई हैं, ये डेजी की जो मैंने सीडलिंग लगाई थी वो है, कुछ मैंने इधर लगा दिए हैं, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ को मैंने लगा दिया है, कुछ को और लगाना अभी बाकी है। पॉपी थी, कुछ पॉपी लगाया है मैंने, कुछ ये डेजी लगाया है और कुछ ये इधर पैंजी भी मैंने लगाया हुआ। इसके बाद जो आपके बल्ब से ग्रो होने वाले फ्लावरिंग प्लांट हैं उनमें आपने पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना है, बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट इनको नहीं रहती है, तो इनमें बहुत ही मिनिमम लेवल पे आपने पानी देना है, तो इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें। अब बात कर लेते हैं जो हमारे परमानेंट प्लांट हैं जो हमें साल भर अपने गार्डन में खुशी देते रहते हैं और हरियाली बनाए रखते हैं और डेकोरेटिव भी रहते हैं, तो इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है सर्दियों में, क्योंकि अगर ये सारे प्लांट हम खो देंगे तो हमारा जो गार्डन है वो अधूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमारे जो परमानेंट प्लांट हैं उनको ऐसे झुंड बना के रखें कि आने वाले समय दिसंबर के लास्ट में या जनवरी में फिर जब कोहरा पड़ेगा या फिर पाला पड़ेगा, पाला भी बोलते हैं उसको, जब वो पड़ेगा तो ये ख़राब ना हो। तो इससे क्या है कि इनको झुंड में रखने से इनके ऊपर पाले का असर कम होगा और ये सारे के सारे प्लांट हमारे सुरक्षित रह पाएंगे। दूसरा, जैसे इस तरह से क्रोटोन का प्लांट है, ये कुछ हम इंडोर भी रखते हैं, कुछ आउटडोर भी रखते हैं, तो इसको भी बचा के रखना है और अच्छे तरीके से इनका ख्याल रखना है। एक तो पानी की मात्रा हमने कम कर देनी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, पौधों को जो नहलाना होता है, जैसे हम गर्मियों में नहलाते हैं, वो हमने नहीं करना है। अब तीसरी चीज़, जो अपने प्लांट्स हैं, देखिए इस तरह से जैसे ये नीचे पत्ते पड़े हुए हैं आप देख रहे हैं, इन सब को हमने रिमूव कर देना है और अपने जो गमला है हमारा उसको बिल्कुल क्लीन कर लेना है, यानी कि आपका गमला बिल्कुल साफ रहना चाहिए और एकदम इसमें कोई खाद, मतलब ये पत्तियाँ नहीं रहनी चाहिए, कोई घास नहीं रहनी चाहिए। इसी तरह से आप अपने जो परमानेंट प्लांट हैं उनको बचा सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं कहता हूँ कि जो हमारे पौधे डोरमेंसी में चले जाते हैं सर्दियों में, जिस तरह से ये देखिए ये अडेनियम का प्लांट है, ये सारे पत्ते गिरा देता है सर्दियों में और डोरमेंसी में ये चला जाता है। उसके बाद ये फरवरी मार्च में फिर दोबारा ब्लूम पे आएगा, तो तब तक के लिए आपको इसको कुछ नहीं करना है, कुछ छेड़ना नहीं है इसको, और इसको ऐसी जगह पर प्लेस कर देना है जहाँ पे आराम से रखा रहे। पानी भी इसको ना के बराबर ही देना है, मतलब अगर ना नहीं भी देंगे तो भी कोई दिक्कत इसको नहीं होती है। तो जितने भी पौधे आपके डोरमेंसी में चले जाते हैं उनको आपने छेड़ना नहीं है, और एक तरह से ये इनका स्लीपिंग टाइम है, ये सो जाते हैं, इनको कोई खाद भी नहीं चाहिए, इनको कोई पानी ज़्यादा नहीं चाहिए, ज़्यादा क्या चाहिए ही नहीं, तो इस तरह से ये आप देखभाल कर सकते हैं। दूसरा, जैसे ये फाइकस का प्लांट है और इसकी आप रूट्स देख रहे हैं, ये ऊपर दिख रही हैं, वैसे तो बहुत हार्डी प्लांट होता है ये, लेकिन फिर भी इस तरह से अगर आप किसी प्लांट की आपकी रूट्स ऊपर आ रही हों तो उनमें आपने मिट्टी डाल देनी है और उसको ढक देना है। कुछ बातें मैं सेकुलेंट्स के लिए बताना चाहता हूँ। देखिए ये मेरे सेकुलेंट्स हैं, आप देख रहे होंगे कितने प्यारे लग रहे हैं, इनको भी आपने पाले से बताना है और इनको कहीं ऐसी जगह पर प्लेस कर देना है जहाँ पे थोड़ा सा शेडी एरिया हो, जहाँ पर इनके ऊपर पाला अटैक ना कर पाए। धूप इनको कम भी मिलेगी तो भी चलेगा, ऐसी कोई इनमें दिक्कत नहीं आती है। और एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, जो हमारे तुलसी माता जी के प्लांट होते हैं, ये देखिए इनको पाले से बचाना होता है, क्योंकि इन पे पाला अटैक करता है तो इनके ये सारे पत्ते जो हैं वो सूख जाते हैं और ये बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने एक साइड में ये इनको रख दिया है, इनके ऊपर एक पन्ना या वो जो एक ग्रीन नेट आता है वो भी डालकर आप रख सकते हैं।
और अगर जो प्लांट आप अंदर नहीं रख सकते, आपके पास अंदर स्पेस नहीं होता, जगह नहीं होती, तो ऐसे प्लांट के ऊपर आप कोई पन्ना शाम के टाइम में डाल सकते हैं, या फिर ग्रीन नेट आप ले सकते हैं, उसको भी आप डाल सकते हैं। सुबह आप फिर उसको हटा देंगे तो उससे क्या है कि आपके सर्दी भर जो प्लांट हैं वो ख़राब नहीं होंगे और बचे रहेंगे। तो ये सारी जानकारी थी आज की इस वीडियो में। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।